हाय दोस्तों, यदि आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम के ऊपर ही इस वीडियो को लाई हूं। यानी कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम की तैयारी करने के लिए मोटिवेट होने वाले हैं आप इस वीडियो से, तब जाकर जो आप अपनी मेहनत को और अपनी एग्जाम की तैयारी इतनी बेस्ट तरीके से करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको एक साल की वक्त मिलती है, उसमें आप क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं। जब एग्जाम के निकट वाले जो 2-3 महीना बचता है उसमें आप इतनी पढ़ाई से उग जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। इसमें आप क्या करते हैं, 2-3 महीने में क्या होते हैं, आप धीरे धीरे कम करते जाते हैं पढ़ाई को, क्योंकि आप तो शुरू में एकदम स्टार्ट में आपने अपनी एनर्जी को खत्म कर चुके हैं, पूरे बेस्ट तरीके से पढ़े थे आप शुरू में, एकदम इस तरीके से पढ़ते आते, तो आपको जो निकट वाले एग्जाम के निकट वाले जो 2-3 महीना बचता है उसमें आप पढ़ाई से उग जाते हैं। बहुत सारे के स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ाई से उग जाते हैं, ऐसी में जो है 2-3 महीने में ही जो है एग्जाम के जो निकट वाले 2-3 महीना बचता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शुरुआत किए थे एग्जाम की तैयारी के लिए, लेकिन उसमें धीरे धीरे पढ़ते आए थे, कछुआ की चाल से आए थे, और ये जो है 2-3 महीने के, जब उसको जानते हैं कि जब एग्जाम के 2-3 महीना बचा हुआ है तो उसमें अपनी तरीकों के बदलते हैं, अपनी पढ़ाई को बेस्ट तरीके से देते हैं, यानी कि अपनी 2-3 महीना को इतनी जबरदस्त मेहनत से बिताते हैं, अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त रहते हैं, तब जाकर जो है उनकी रिजल्ट जो है इतनी सुंदर आती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत इतना जबरदस्त करना कि जब मंजिल करीब हो तो मेहनत इतना जबरदस्त करना कि जीत तुम्हारी निश्चित है, बस तू अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। यानी कि आपकी भी एग्जाम क्या है, निकट आने वाले हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त रहिए और मेहनत को इतना जबरदस्त कीजिए, यानी कि आप पढ़ते थे 2-3 घंटे तो उसको 4-5 घंटे में कन्वर्ट कीजिए और अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त रहिए, तब जाकर जो आपके अगले महीने में जो रिजल्ट निकलने वाले है उसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते है। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।